जब भी हम लोग खोजते हैं तो तू यही मिलता है, इसका कारण क्या है? अच्छा, रामनवमी में कपिलदास बाबा भी तो आते होंगे ना? आते हैं बाबा जी, किलकिला से आते हैं। अपने पुराने वाले कुटिया में बैठते होंगे? जी बैठते हैं, यहीं पर बैठते हैं, 9 दिन पूरा टाइम देते हैं। शादी में आना है अपना डांस दिखाने, ठीक है? ठीक है, दिखाएंगे, आएंगे। हमारे दादाजी आज बहुत खुश लग रहे हैं, चलिए पूछते हैं इनको। ना बड़े, हाँ तो बारात जाने के लिए समय निकालोगे कि ड्यूटी जाओगे उस दिन? ड्यूटी क्यों जाएंगे आप? हे YouTube फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और आज थोड़ा रवीन के पास चलते हैं, बहुत दिनों बाद उससे नहीं मिले हैं। अब रोनी को भी मैं निकाल लिया हूँ, चलते हैं। पहुँच गए रवीन के घर, पता नहीं उठा भी होगा कि नहीं, जल्दी उठता नहीं है रवीन। हमारे रवीन जी तो घर में नहीं मिले, उनके बड़े भैया बताए कि वो नीचे साइड गए हैं, तो उधर ही चलते हैं। ये तो राहुल भाई का गाड़ी है, शायद ये भी आए हैं इधर। कैसा राहुल? ठीक है, बढ़िया। कहाँ गया था? पत्थलगांव गया था। आइसक्रीम? अच्छा, आइसक्रीम खाने लग गया आजकल? अरे गर्मी स्टार्ट हो गया ना अब। कुछ नहीं करता है। थोड़ा ब्रोनी को मैं आइसक्रीम खिला देता हूँ, चल खा, ईट। राहुल जी चले गए, अब चलते हैं रविंद के पास। यहाँ पे ये क्यों बैठता है रोज आके, पूछेंगे इसको। रविंद, अरे एक सवाल था मेरा जी। जब भी हम लोग खोजते हैं तो तू यही मिलता है, इसका कारण क्या है? भैया उदास जब रहता हूँ ना मैं, हाँ, तब यहीं आके बैठता हूँ, पानी को देखता हूँ तो मेरा मन शांत लगता है। शांत लगता है। अच्छा रविंद्र जी। जी भैया। रामनवमी का तैयारी शुरू हो गया होगा ना? अभी तो हो रहा है भैया, लिपाई पोताई चल रहा होगा। हाँ, चल रहा है लिपाई पोताई। चलो देख के आएंगे। हाँ यार, लिपाई पोताई तो हो गया लग रहा है। चलिए वहाँ एक भैया है, उनसे जाके पूछते हैं क्या क्या तैयारी हुआ है उसको। भैया जी सुनिए ना थोड़ा। नमस्कार। नमस्कार सर। आओ, सब बढ़िया? तो सब ठीक है सर। तो रामनवमी का तैयारी तो शुरू हो गया ना? जी, अभी तक कुछ परसेंट हुआ है सर। लिपाई पोताई चल रहा है? चल रहा है, लिपाई पोताई हो गया है। कल पानी का भी व्यवस्था कर दिए हैं। हाँ, मैंने हमारे गांव के जितने भी कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो रामनवमी का शुभारम्भ कब से है? यह तो अभी कार्ड आ गया है भैया, तो 22 तारीख से स्टार्ट है यहाँ कार्यक्रम। कलश स्थापना 21 से है कि 22 से? 22 से ही है। 22 से जी। हाँ, देखना पड़ेगा सर। हाँ, 22 क्लियर है। नमस्ते फूफा जी। और ये तो जैसे कि मैं बताया था, रोज दिन आते हैं सुबह भी शाम भी पूजा करने। तो ना फूफा, कितना दिन होगा रामनवमी इस बार? इस बार भी वही 9 दिन की? हाँ, वही 9 दिन का है। 9 दिन होगा ना? 9 दिन का हो। 9 दिन और 9 रात। 9 दिन बिना अटके बोला जाता है ना? हाँ, राम अखंड चलता है। हाँ हाँ हाँ, 9 दिन तक यही इसी यज्ञशाला में ना? इसी यज्ञशाला में। और लगभग लगभग आसपास के जितने भी मंडली लोग हैं नाचने वाले, तो सभी आते होंगे? सभी आते हैं। हाँ हाँ, लगभग कितने मंडली आ जाते होंगे 9 दिन में? 9 दिन में डेली का आते हैं वो तो 20-22 मंडली। 9 दिन तक? 9 दिन में टोटल की? जी सर। और उसमें लिस्ट भी लिखते हैं ना नाम में, किसका कितना नंबर में है करके? कोई भी आके ऐसी थोड़े नाच सकता है? नहीं, टाइम दिया जाता है ना सबको? टाइम दिया जाता है कि इस टाइम में आपको नाचना है। हाँ, उसी टाइम में। अच्छा, रामनवमी में कपिलदास बाबा भी तो आते होंगे ना? आते हैं बाबा जी, किलकिला से आते हैं। अपने पुराने वाले कुटिया में बैठते होंगे? जी बैठते हैं, यहीं पर बैठते हैं, 9 दिन पूरा टाइम देते हैं। सुबह शाम आते हैं? आते हैं। अच्छा। रात को ज्यादा टाइम रात को ही रहते हैं, सुबह नहीं रहते हैं? सुबह सुबह आते हैं फिर चले जाते हैं अपना। हाँ, वहाँ भी तो देखना रहता है ना जी। अच्छा भैया, ये बोल रहा था मैं, यहाँ एक बाबा जी भी रहते थे ना, वो लंबा बाल दाढ़ी वाला, वो चले गए क्या आजकल? नहीं दिख रहे? नहीं, उनको हरिद्वार गए हुए हैं। अच्छा, आएंगे वापस? जी आएंगे, वो बोल के गए हैं। तो अभी तो कुटिया बंद है गाइस, ये बहुत ही पुराना कुटिया है, इसको जब खोलेंगे, अभी कुछ दिन बचा है, 4-5-6 दिन, उसके बाद दिखाऊंगा, सब लोग आएंगे, कपिलदास बाबा सब यहीं बैठते हैं। और यहाँ अंदर में एक धुनी है, वहाँ बैठते हैं कपिलदास बाबा और बहुत सारे भक्तगण भी रहते हैं, तो आपको दिखाएंगे। अभी तो शुभारंभ हुआ नहीं है, 21-22 को जैसे बता रहे हैं होगा। तो रविंद्र जी, मैं क्या बोल रहा था जी, हमारे गांव वाले जितने भी रहेंगे ना, हम लोग ग्रुप में, हाँ, सब लोग इस बार धोती पहन के आना है जी। क्या है, पूजा पाठ में जान रहे हो, हम लोग के समाज में धोती को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और हम लोग धोती पहन के आ गए ना। हाँ, तो फिर कम से कम चलो बच्चा पूजा पाठ में मन तो है। हाँ, और जीन्स वींस लगा के आ जाएंगे और फिर बोलने लगते हैं, जान रहे? जान रहा है ना, इसलिए पूरा तन मन धन से एकदम करना है। करना है भैया, ठीक है जी। और यहाँ छोटे छोटे कुत्ते लोग ब्रोनी को भोंक रहे, चल तो लेके चल।
ये मंदिर में रहते हैं ना दोनों पिल्ला, वही वाले हैं। कैसे भौंकता है अरे तेरे को कुछ किया नहीं है, क्यों भौंक रहा है तू? चलो रहने दो, जीने खाने दो लोग को। अच्छा रविन सुन ना, सुन ना, मेरे को कुछ दिख गया, पपीता का फल है, देख ना वहां। देंगे क्या उसको? नूरपेन भैया को मांगेंगे। चलना तोड़ दे चुपचाप, सीठा लागे। जाओ रविन तोड़ना, खा के देखते हैं। फाइनली हमें अनुमति मिल गया तोड़ने का। रविन जी, ओ जो पका पका दिख रहा है उसको हम लोग के लिए तोड़ देना, और बड़ी मम्मी के लिए भी बोले हैं एक तो, उसके साइड वाला वो लोग को ना। देख देख, इसको रख लेता हूँ। हाँ दीजिए, मेरे साइड दीजिए उसको। तो नहीं बनेगा, चूहा खाया है उसको। ब्रोनी को आज पपीता खिलाएंगे, पता नहीं खाएगा कि नहीं है। चलो ब्रोनी, पपीता ला दिया है तेरा रविन भैया। अच्छा तो दिख रहा है, पका है? हाँ पका, इधर का पका है ना। डाल दीजिए तो प्लास्टिक में भैया, ऊपर उठाना नहीं लगेगा। बन गया। हाँ कहाँ जा रहे हैं दादाजी? कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? है कहाँ घूमने? देखना बढ़िया, धीरे धीरे ले जाना ना। है पाकरगांव बारात जाओगे? अच्छा चलो ब्रोनी, घर पहुंच गए। अब इसको मैं बाहर साइड थोड़ा कर दे रहा हूँ रविन, तो दीजिए पपीता को। आइए खा लीजिएगा आप भी थोड़ा सा। नहीं लगेगा भैया, खाइए ना आप। आप खाओगे तो मैं खा लूंगा, पेट भर जाएगा। आओ तो अंदर साइड तो घुस लो थोड़ा। आ रहा हूं ना 5 मिनट में। ब्रोनी बहुत हांप रहा है, इसको पीछे साइड लेके चलता हूँ। जा खेलना उधर जा। दादी पपीता लाए, उसको काट दीजिए ना। देखो तो पका है क्या? अच्छा से नहीं पका है जैसे लगा मेरे को। इधर का इसको पहले धो देता हूँ। दादी लो तो धो दिया हूँ, काट के देखिए तो एक बार। अच्छा लगेगा तो बोली बड़ी मम्मी दी वो। अच्छा नहीं लगेगा उसको काटने से? वो पका है उस साइड को काट दीजिए ना थोड़े से। पके गए? ये यहाँ पे को काटिए, ये अच्छा लगेगा यहाँ। एक दो दिन में पक जाएगा? ऐसी में भी कुछ डाल के पकवाना पड़ेगा कि ऐसी पक जाएगा? क्या कर रहे हैं दादा? अच्छा योग इन्हीं से सीखे हैं क्या? क्या क्या एक्सरसाइज बता रहे थे वो? कपाल भाती, बात रो, दुनिया भर का बीमारी के बारे में। ये कौन सा योग है? बात रोग वाला। अच्छा ये जो कर रहे हैं कितना दिन से कर रहे हैं आप? ये करीब करीब हो गया 2-3 साल से। रिजल्ट इसका कुछ आया? हाँ रिजल्ट ठीक है, तब तो दवाई के साथ साथ योग में भी, योग भी काम दे रहा है। मतलब कर सकता है इसको कोई आदमी जैसे करना चाहे तो? ये आप सजेस्ट करेंगे उसको करने के लिए? 5-10 मिनट रोज अगर बेड में भी करता है हाँ, तो भी उसको राहत मिलेगा और नियमित करना जरूरी है। रोनी इट खा रहा है पपीता को। सबसे ज्यादा खुशी इसको खाने और नहाने में है। इसको खाना दे दीजिए जितना टाइम भी खा देगा, और इसको नहला दीजिए जितना टाइम भी नहा लेगा। ये दो चीज से इसको बहुत प्यार है। अब मैं भी नहा धोवा के रेडी हो गया। देखो देखो मेरे पास आने के लिए खाली होता है। तुम्हारे जगह में चलो आराम से सो जा, शाम को मैं जल्दी आऊंगा ठीक है? बाय। मम्मी कितना लेट है खाना हो गया? क्या कर रही है? लेट हो रहा है, जल्दी कीजिए। आई देख तो अभी तक खाना नहीं बना है। सब्जी को थोड़ा लेट से काटी क्या आज? हाँ लेट हो गया। कल से थोड़ा जल्दी काट देना, मेरे को मेडिकल भी जाना रहता है ना। हाँ जल्दी काटूं। फाइनली हमारा खाना आ चुका है, खत्म करते हैं इसको, अब चलते हैं। अब मैं मेडिकल पहुंच गया और हमारे देवक भैया को देने चलते हैं एक इन्विटेशन कार्ड। भैया जी नमस्कार। सबसे पहले तिहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, भगवान करे आज पूरा दुकान का सब सामान आपका बिक जाए। और एक चीज, शादी में आना है ठीक है? और कौन सा डांस दिखाएंगे हमारे YouTube फैमिली को? हमारे स्पेशल जरूर। अच्छा देवक जी चलिए मिस्त्री को भी एक कार्ड दे के आते हैं। चलिए चलते हैं। चलो पार हो जाते हैं, गाड़ी नहीं आ रहा है। मिस्त्री जी नमस्कार। नमस्कार। शादी में आना है, अपना डांस दिखाना है ठीक है? ठीक है दिखाएंगे, आएंगे। और बारात भी जाना है, बहाना नहीं चलेगा इस बार है ना? हाँ, पक्का ना? देवक जी इनको लेके आइएगा, आपको जिम्मेदारी दे रहा हूँ है ना। अब मंडली लोग को भी आपका लेके आना। हाँ, सब पूरा पार्टी लेके आएंगे।
तो तुमन कौन तारीख लाई होता मड़वा के दिन ना मड़वा बाजाला में 22 ले बोला है 22 23 24 25 तक बजी और रोज दिन आना है नाचे रोज एक दिन जाबो शाम शाम के सुबह सुबह आई हो। अब मैं थोड़ा अपने मेडिकल का काम कर लेता हूँ। गाइस अभी रात के 8 बजे हैं और मैं सीधे घर आ गया और हमारे दादाजी आज बहुत खुश लग रहे हैं। चलिए पूछते हैं इनको क्या बात है, बहुत खुश लग रहे हैं आज। राम भगवान अयोध्या पहुंच गए हैं, वहाँ के जनता देख के बहुत खुशहाली मना रहे हैं, उसी खुशहाली में भी बैठे बैठे देख के मना रहा हूँ। और हमारे विश्वनाथ बड़े भी आ गए हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। तो बड़े कैसे अचानक आ गए रात रात को? मैं तो विश्वास हाल चाल पूछने के लिए आ गया हूँ, कैसे कैसे करना है। अच्छा अच्छा, तो कार्ड वार्ड भी आया है, थोड़ा सा उसको जमा दीजिएगा ना। जमा देंगे। तो देखिए भैया, सब आप ही लोग का भरोसा है। कितना ठो करना है आज? 50-60 हो जाएगा। और मैं आपके लिए अंगूर लेके आ रहा हूँ, अंगूर को खाते खाते। कहाँ गया मम्मी अंगूर? तो भैया अंगूर खाते खाते पूरा फोल्ड करना है, ठीक है? 100 कर लेंगे ना फोल्ड? कर लेंगे ना बड़े। हाँ। तो बारात जाने के लिए समय निकालोगे कि? एकदम निकालेंगे यार। ड्यूटी जाओगे उस दिन? ड्यूटी क्यों जाएंगे यार, 2-3 दिन से पहले पहले रहेंगे। तो उस दिन ड्यूटी बंद रहेगा? पूरा बंद रहेगा जी, पूरा समय देना है ना। हाँ एकदम। कैसे ब्रोनी, क्या कर रहा है? रुक जा, तेरे को खोल दे रहा हूँ ना मैं, तो सिकड़ी के साथ खोल रहा हूँ, तू नहीं तो दौड़ेगा ना। मेरे पीछे पीछे मत आना यार, वहीं पे खेल। क्यों आता है मेरे पीछे पीछे? ना विश्वनाथ बड़े। हाँ। चांदी डांड कब जा रहे हो? कल मैं जाने वाला हूँ। तो उधर का कार्ड को ले जाना ना। ले जाऊंगा। और 4 केंदु उंदु क्या होता है ले आना। ले आऊंगा यार, उधर बहुत होता है ना आप लोग के। बहुत होता है जी। हाँ, एक आध बोरा ले लाना। ले आ देंगे, क्या नहीं लाएंगे। आज के इस वीडियो में 100 लाइक का टारगेट रखते हैं, उम्मीद है आप ये कर दोगे और काफी रात भी हो गया, तो फिलहाल इस ब्लॉग को एंड भी करते हैं। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।